नमस्कार अदाब सत श्री अकाल दोस्तों तुसी देख रहे हो साडा पंजाबी विरसा नेटवर्क। इस नेटवर्क के जरिए असी तमाम पंजाब पंजाबीयत ते पंजाबी गायकी नाल तालुक रखते शख्सियतां नाल समय समय से तुहानू जाणू करवाया है। आओ इस लड़ी नू अगे वधाउंदिया होया मैं गल करांगा दो गाणा गायकी दे बादशाह कह लवां तां कोई अतकतनी नहीं होवेगी, दो सदियां दे गवैये कह लवां तां कोई अतकतनी नहीं होवेगी। गल करदा हां मुहम्मद सदीक। अज तो कुछ अरसे पहला पिंडा च रेडियो वाले भाई प्रोग्राम करन जांदे सन तां एक एक गीत कई कई बार फरमाइश करके लवाया जांदा सी। भावें हुण इस सब कासे दी थां डीजे ने लै लई है पर सदीक दे कुछ गीतां ते भंगड़ा पाउंदे हन लोक शराबी ते वैष्णु जिहे। भावें अज सारे कलाकारां ने अपना अपना रुख दो गाणा गायकी वाले नूं करिया है पर ए बहुता लंबा समा नहीं टिक सकणगी क्योंकि इन्हां दे गीतां अर्थां तो हीने हन। अज दी दो गाणा गायकी पत्त पराली दी गायकी है जिस दी इकदम अग तां दूणी मचदी है पर सुहारता नहीं हुंदी ते ना ओ अग किसे काम आउंदी है। इस तरह अज दी गायकी टैलीविजनां डीजे सिस्टमां ते उदों तक बुड़कदी है जदों ताईं दूजे किसे कलाकार दी आमद नहीं हुंदी ते जिन्ना चिर ओ टीवी ते रहिंदा है लोग उन्ना चिर ही बेवस हो के देखदे ते सुनदे हन। इन्हां नूं सभ्याचार ते विरसे दा शरमाया नहीं कह सकदे आपां। मुहम्मद सदीक दे गीतां जो पंजाबी सभ्याचार दी खुद चर्चा फसलां हुसन ते दियोर परचाई जिहे पात्रां दा जिक्र मिलदा है जिन्नी शिद्दत नाल लोकां ने चांदी राम चांदी दी गायकी जोड़ी नूं सुनिया जिस नूं पंजाबी दो गाणा गायकी दा मुढ़ मन्निया जांदा है जदकि पंजाबी दो गाणा गाउण दी पहल नरिंदर बीबा ने कीती सी पर उसने सफल ना होण करके इस तो मूँह मोड़ लिया सी। पर जदों चांदी राम चांदी दा रिकॉर्ड वज्या तां सब आप मुहारे खिचे तुरे आए सन। सदीक नूं दो गाणा गायकी दे बादशाह ते दो सदियां दा गवैया कह लवां तां कोई अतकतनी नहीं होवेगी। जिस दिन तो सदीक ने गाउणा शुरू कीता बेहद गवैया ने सिर चुकया ते अज भी चुके जा रहे हन। मुहम्मद सदीक दा जन्म देश दी वंड तो पहला पिता वलैत खां दे घर माता प्रसन्नी दे कुखों जिला लुधियाणा दे पिंड रामपुर विच होया। सदीक वाला रामपुर इतिहासक पिंड है जिसनूं दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी चरण छोह प्राप्त है। इत्थे उन्हां दी याद विच गुरुद्वारा रेरू साहिब उसारिया है। रामपुरा साहित्यक ते संगीतक मक्के दे नां नाल मशहूर है जिथों दे इक नहीं कई साहित्यकार दूजियां मुल्कां च रह के भी इस पिंड नाल जुड़े हुए हन। रामपुर पिंड दी संगीतक परंपरा बहुत पुरानी है। सो बहुतियां गल्लां ना करदा होया गल करदे हां जिन्ना सदका सदीक दी पहचान होर गूढ़ी होई ते मुहम्मद सदीक नूं वड्डियां स्टेजां ते संचालना करन दा मौका मिलिया। हरियाणा अजे नहीं सी बनिया ते गवर्नर ने रुमाणे आउणा सी। उधर HMV दे कुछ उच्च अधिकारी नवे कलाकारां दा टेस्ट लैण लई लुधियाणा आ रहे सन। इस बारे इंदरजीत हसनपुरी ने सदीक नूं चिट्ठी लिख के दस्या तां मुहम्मद सदीक दुबिया च घिर गया क्योंकि उसकी ड्यूटी गवर्नर वाले समागम च लगी हुई सी। सदीक ने अफसरां नूं बेनती कीती कि छुट्टी दित्ती जावे तां जो ओह टेस्ट दे सके पर किसे भी अफसर ने पैरां ते पानी ना पैन दित्ता। सदीक ने किधरे हाथ ना पैंदा देख नौकरी तों अस्तीफा देण दा फैसला कर लिया। एक अफसर दे मन विच उस प्रति रहम आया ते सदीक दी छुट्टी मंजूर हो गई। सदीक टेस्ट ते आया ते समा पा के HMV वलों मुहम्मद सदीक दे नां ते चिट्ठी आ गई कि तुसी ऑडिशन पास कर लिया है ते इस दिन आके गीत रिकॉर्ड करवा जायो। उदों दो ही संगीत कंपनियां हुंदियां सन एक HMV ते दूजी कोलंबिया। मैं चिट्ठियां किधर नूं पावां जांदा होया दसना गया रिकॉर्ड हो वजिया तां बेहद मशहूर होया। उस तो बाद मैं गबरू देश पंजाब दा ते मेरी ऐसी झांझर छणके छनकाटा पैंदा गली गली रिकॉर्ड हुई जिन्ना सदीक दी मंग नूं होर वधाया ते HMV दे मैनेजर संत राम नूं सदीक दे सुभा ते आवाज ने खासा मोह लिया सी ते उधर पंजाब तो नित मिल रहियां रिपोर्टां संत राम मुहम्मद सदीक नूं पुछण लग्या कि तू
ड्यूट भी गा सकता है। मोहम्मद सदीक ने हस के हामी भर दी। ए मोहम्मद सदीक लिए पहला मौका सी। संत राम ने ए ता पूछया सी क्योंकि पंजाब तो स्वर्णलता रिकॉर्डिंग लिए आ रही सी। स्वर्णलता नू पूछदे ही संत ने सवाल किया कि तेरे कोल गीत हैगे ने ता इस मुंडे नाल रिकॉर्ड करवा दे। स्वर्णलता बोली कि साड़ी रिहासल ता कीती नहीं होई। संत राम ने कहा रिहासल नू कुछ नहीं हुंदा, इउं ही कर दिओ रिकॉर्डिंग। गीत सन भाई स्पीकर वाले आ, कोई गाना नवा सुना। मुंडा तेरा मैं चक लूं, चल चलिए जरग दे मिले। ये गीत लोकां दी जुबान चढ़े ते जसवंत भवना 1965 च अपने कोल सद के मोहम्मद सदीक दा सैट अपनी शगिर्द रजिंदर राजन नाल बना दिता। मोहम्मद सदीक नू प्रोग्राम वधिया मिलन लगे ते नौकरी करके उसका गायकी तो हथ पिछे जान लग्या क्योंकि वह खुले अंबर च परवाज भरनी चाहुंदा सी। ते उन्हां दिनां च मोहम्मद सदीक ने नौकरी तो अस्तीफा दे दिता। इस जोड़ी ने कोई 2 साल इकट्ठिया प्रोग्राम किए ते मोहम्मद सदीक दी जसवंत भमरे नाल किसे गल करके तकरारबाजी हो गई ते मोहम्मद सदीक ने रजिंदर राजन तो अपना सैट तोड़ लिया ते मुड़ अपने पिंड आन आई स्पीड डीजल दी दुकान ते बैठन लगा। 4 कु दिनां बाद रणजीत कौर दा पिता ज्ञानी आत्म सिंह मोहम्मद सदीक नू रणजीत कौर नाल प्रोग्राम करन लई कहन आया सी। इह प्रोग्राम 4 मार्च दा सी। इस प्रोग्राम तो लैके मोहम्मद सदीक ने निरंतर रणजीत कौर नाल पहला प्रोग्राम रायकोट नेड़े पिंड रजोवाल विखे कीता। समा पा के इन्हां नाल बाबू सिंह मान जो कि उन्हां दिनां च मान मराणा वाला दे नां नाल मशहूर सी, जदों इन्हां दी तकड़ी बनी तां चारे पासे गल्लां होण लगियां। हर एक दी जुबान ते इन्हां दा नां बोलदा सी। सदीक ने कई बहुते साज प्रदूषण दा सहारा नहीं लिया, सिर्फ वाजा ढोलकी ते तुंबी राही ही अपनी कला दा लोकां तो लोहा बनवाया ते ना ही बहुते शगिर्द पैदा किते। दीदार संधू मोहम्मद सदीक दा वधिया मित्र सी ते बाद विच शगिर्द बनिया। इस गल नू सदीक भी कोई लुकाउंदा नहीं, सगों स्पष्ट शब्दां विच दसदा है। ना अज लोग सीखना चाहुंदे हन, जेकर किसे नू लड़ ला भी लियो ता अगला 4 दिन सिख अखां दिखाउणियां शुरू कर दिंदा है ते अपने आप नू उस्ताद दा उस्ताद मन बैठदा है। पर मैं मन्नदा हाँ कि अज आ जो गायकी विच अन्नी हनेरी झुली है, ये सब बेगौरियां करके ही हो रहा है। मोहम्मद सदीक ने लगभग हुण तक हर विषय नू गाया है जिन्हां च लोक गीत गथावां ते किस्से शामिल हन। सो दोस्तों, ये किस्सा मैं मोहम्मद सदीक ने पहली बार कित्थे गाया ते किवें संगीत दा पड़ा शुरू किया, ये सारे किस्से बारे तुहानू जाणू करवाया है। इसे तरह तुहानू समय समय ते असीं पंजाबीयत ते पंजाबी गायकी बारे जाणू करवांदे रहांगे। जल्द तुहाडे नाल नवीं वीडियो रूबरू करांगे। हुण लई दिओ इजाजत प्रीत डुगरी दे नाल साडा पंजाबी विरसा चैनल। धन्नवाद दोस्तों।